गाइस, जिस ट्रेलर के ऊपर आज हम रिएक्ट करने वाले हैं फ्रॉम द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, उसके एक्शन कोरियोग्राफी में दो बड़े एक्शन डायरेक्टर्स का हाथ है, जिन्होंने जॉन विक और मार्वल जैसी मूवी सीरीज और फ्रेंचाइजेस में अपना काम दिखाया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेनॉल्ड फेवरो एंड ब्रायन विजियर। Hi, this is Vidhan. Hi, this is Pravash. And we welcome you back to The Reactionist. Aaj hum react karne wale hain on the official trailer for Hunt. That's right. So, is movie mein kaun hai? Is movie mein guys hai Sudhir Babu. Sudhir Babu ji haan, jo ek Hindi movie bhi kar chuke hain, Baghi naam se, jo Tiger Shroff ki movie thi, pehli movie thi. Kaafi badhiya action dikha tha unhone. Yeah, aur us movie mein wo unhone villain ka role play kiya tha and unka ek acting to acha hai, uske saath unka physique bhi kaafi acha hai. Tere se bolne ki physical एक्टिविटी में काफी माहिर है, yeah. तो उनके साथ वो टाइगर श्रॉफ का जो एक कॉम्बिनेशन था बहुत अच्छा मैच किया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चलते हैं, पहले हंट के ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन देते हैं, पता करते हैं कि तेलुगु इंडस्ट्री से नया क्या आया है एंड व्हाट इज इट गोइंग टू बी बिग और नॉट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द ट्रेलर राइट नाउ। ओह ओके, यस, उनका देहांत हुआ అదే కేసుని ఇప్పుడు ఈ అర్జున్ సాల్వ్ చేయాలి. నువ్వు లూజ్ అయితే నీ మెమరీ మాత్రమే. ఒక అసిస్టెంట్ కమిషనర్ బ్రాడ్ డే లైట్ లో చనిపోయిన ఆర్యన్ దేవ్ హీస్ ఎ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ అస్. కేసు డైరీలో ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరో నాకు తెలియట్లేదు, ప్లేసెస్ నాకు గుర్తు రావట్లేదు. बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा अपना फेस చేస్తా. ఈ పెరెట్ ను రీచ్ అవడం మొత్తం నా జంక్షన్స్ చెక్ ఆల్ ద కెమెరాస్ అండ్ గెట్ అవుట్ ఫుటేజ్. మరి ఇక్కడి నుంచి జరిగింది కదా స్క్రీన్ రోజుకో న్యూ సస్పెక్ట్ నేమ్ అండ్ రోజుకో న్యూ మోడస్ ఆఫ్ నాకైతే కలెక్ట్రేట్ లో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నా ఉన్న నమ్మకం పూర్తిగా పోయింది సార్. ఐజెస్పీ లైక్ పఫెడ్ మ్యాన్. క్యా క్యా మసల్ బనాయా రైట్? బహుత్ బడియా లగ్ రహా హూ. ఏటీ డిజే కి కంప్లీట్ కేస్ ఫైల్ నా టేబుల్ మీద ఉండాలి, అందులో ఈ 3 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ఉండాలి. హౌ వై ఓ అక్కడికి వెళ్తాం, లెక్క చేస్తాం, మొత్తం అంతా సెర్చ్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ లొకేషన్ ఇదే అయితే దిస్ ఇస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్పాట్. వావ్, పూర్తి ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ ఇది. ఈ కేస్ స్టడీలో లాస్ట్ 18 డేస్ లో నేను సంపాదించిన క్లూస్ అన్ని యాక్షన్స్ తో హై. కాఫీ సర్ విబ్రాన్ కా మ్యూజిక్ హై రైట్. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అచ్చా లగ్ రహా హూ. ఆల్ ది కేస్ ఫైల్ లో గన్స్ డోంట్ లై. सो गाइस, द ट्रेलर जो मैंने हम लोगों ने पूरा ट्रेलर देखा, इट लुक्स रियली गुड, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन भी है. ये बेसिकली एक मलयालम मूवी 2013 को रिलीज हुई थी जो बहुत ज्यादा हिट हुई थी. उस फिल्म का नाम था मुंबई पुलिस, जिसमें पृथ्वीराज सर ने एक्टिंग किया था इन द मेन लीड. मैंने भी सुना है इस मूवी का, दैट वाज अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस और कहा जाता है कि मुंबई पुलिस उनकी वन ऑफ द बेस्ट करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है. सो उसी फिल्म का रीमेक यहाँ पे बनाया गया है जहां तक हमें जो खबर मिली है. सो बट ऐसा भी कह सकते हैं कि उस मूवी में बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, और अब जाके मुझे पता चला कि इसमें जो जो एक्शन सीक्वेंसेस पे ही सिर्फ फोकस नहीं किया गया है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पे फोकस किया जा रहा है. यू वुड सी सम सीरियसनेस इन टू दिस मूवी. ऐसा लगता है कि कोई कोई जगह पे कुछ केस को लेकर डिस्कशन भी हो रहा है. ऐसा नहीं है कि अंधाधुन कोई भाग रहा है किसी के पीछे, गोली चल रही है, एक्शन हो रहा है, मतलब माइंडलेस कुछ नहीं है. इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है सुधीर बाबू का जो कैरेक्टर वो इंस्पेक्टर, उनको उनको शायद उनकी याददाश्त चली गई है. आई गेस सो. बहुत लोगों ने तो यहाँ पे ये भी बताया कि शायद ये डबल रोल भी हो सकता है. या मैंने भी सुना है गाइस, मैंने एक आर्टिकल हम दोनों ने हमने पढ़ा है, तो उसमें ऐसे बातें की कही जा रही है कि इसमें डबल रोल हो सकता है या फिर है. और अगर ये मुंबई पुलिस का रीमेक है और जिन लोगों ने मुंबई पुलिस देखी है वो ही हमें बता सकता है, उनको तो प्लॉट पता ही होगा, पर हमें नहीं पता गाइस. और ये अच्छी बात है क्योंकि इसके इसमें ट्रेलर में ये स्टोरी के बारे में ज्यादा रिवील नहीं किया गया, बस एक बताया जा रहा है कि उनका एक कलीग ऑफिसर है, उनकी हत्या की गई है, तो उनको सुधीर बाबू के कैरेक्टर को ये केस सौंपा गया है
और उन्हें ही क्लूज समझ के मिल रहे हैं थ्रू आउट मिल रहे हैं और उन्हें भी इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हो रहा है कुछ, क्योंकि बहुत पुलिस मूवीज जो कॉप मूवीज होती है वहां पे इन्वेस्टिगेशन कम, आपको पुलिस को ही ये डायलॉग दिया जाता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा। सो बड़ा अजीब लगता है, पुलिस कभी ऐसे बातें नहीं करती। ये रिसेंट टाइम में कोई कॉप ड्रामा जैसे कोई मूवी में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन पे फोकस पुलिस जैसे काम करती है, वैसे ही दिखाया गया। तो वैसे ही दिखाया गया। ओवरऑल काफी अच्छा है ट्रेलर और सुधीर बाबू मतलब वो मुझे मेरी ओपिनियन के मुझे वो 90s के सुनील शेट्टी जैसे दिखते हैं। अरे हाँ, ये जो इनका हेयर स्टाइल हम लोगों ने देखा कि लगा ही कि सुनील शेट्टी सर जैसे थे पहले, यू नो 90s में मोहरा कह लीजिए, दिलवाले मूवी में जो सुनील शेट्टी ऐसे ही सेम पुलिस इंस्पेक्टर सेम ऐसे ही दिखते हैं। और वो याद आ गई एब्सोल्युटली, हाँ मैं वही सोचू की कैसे मतलब एक जाना पहचाना सा चेहरा एक। और ट्रेलर रिएक्शन से पहले भी गाइस हम बात कर रहे थे कि सुधीर बाबू काफी फिजिकली एक्टिव रहते हैं और वो मार्शल आर्ट भी वो जानते हैं। और ये हमने बागी मूवी में भी देखा था, बॉलीवुड के मूवी में, कि वहां पे वो मार्शल आर्टिस्ट के एक बेटे थे। तो उन वो मैंने ये भी सुना हमारे शिफू जी है, ग्रैंड मास्टर शिफू जी उन्हीं के शिष्य थे और वो तो खुद ही बहुत बड़े, आप सबको पता होगा शिफू जी के बारे में, एक नंबर मतलब सम्मान के। और सुधीर बाबू अच्छा टेनिस खेलते हैं, मैंने सुना है कि टेनिस या फिर बैडमिंटन ऐसा कुछ खेलते हैं, मैंने कहीं पे पढ़ा था। और वो काफी फिट रहते हैं और उनका फिजिक भी काफी अच्छा है। गाइस अगर एक्शन के बारे में बात करें, मैं बहुत ज्यादा एक्शन पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो दो नाम जो मैंने बताया, यू नो रेनॉल्ड फेवरो एंड ब्रायन विजियर, इन दोनों का नाम जो मैंने लिया था, तो इनके यू नो इन्होंने अपने नाम अपने काम का जस्टिस किया है, यू नो उन्होंने काम उनका काम दिखा है मुझे यहाँ पे। क्योंकि मोस्टली जब एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड या फिर दूसरे हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में अगर कह लें, तो जब एक्शन की बात आती है इतना ज्यादा फास्ट पेस हो जाता है, यू रियली डोंट गेट टू सी द मूव्स। जो फाइट सीक्वेंसेस होते हैं, जो मूव्स होते हैं, उनको एग्जीक्यूशन जो कंप्लीट दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। यू नो यहाँ हो रहा है गिरने वाला इंसान को क्लियरली दिखाया जाता है, स्लो मोशन में दिखाया जाता है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है, जो मूव जो देते हैं, जो किक मारना हो या फिर पंच करना हो, उसका जो एग्जीक्यूशन वो ठीक से दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने उस चीज को फोकस किया है एंड यस दैट मेड अ मार्क, एक्शन एक्चुअली मेड अ मार्क। सो गाइज इस फिल्म के अगर कास्ट और क्रू के बारे में बात करें, सो दिस मूवी इज बीइंग डायरेक्टेड बाय महेश सुरापनेनी and the music is by Gibran as we all know. So apart from Sudhir Babu we have Bharat Niwas and Shrikant Mehka. और इस मूवी के बारे में और अगर रिलीज डेट के बारे में बात करें, so this movie is going to release on 26th of January 2023. तो बहुत सारी मूवीज रिलीज होने वाली है। एब्सोल्युटली, सो एक बहुत बड़े कॉम्पिटिशन में रहेगी अगर हम कह सकते हैं, हंट के आगे पीछे काफी ज्यादा रिलीजेस है या फिर हंट के साथ भी शायद बहुत सारी मूवी रिलीज होने वाली है। ऐसा होता था कि बॉलीवुड मूवीज के साथ दूसरी इंडस्ट्री की मूवीज यू नो कम्पीट नहीं कर पाती थी, लेकिन इस बार तो हालत ही अलग है यार, मतलब हर एक ही इंडस्ट्री से एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं और बॉलीवुड वाले मैच ही नहीं कर पा रहे। सो इट इज सच अ गुड थिंग टू नो। और जिस तरीके से यू नो साउथ इंडियन इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से सारी मूवीज आ रही है, इट्स अ ट्रीट फॉर अस, व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि कभी मैंने सोचा भी नहीं था गाइस कि मैं एक यूट्यूब चैनल हम दोनों खोलेंगे और उसमें ज्यादातर हमारे जो कंटेंट होंगे वो साउथ से रिलेटेड होंगे। हम साउथ के कंटेंट के ऊपर ज्यादा हम रिएक्ट कर पाएंगे या फिर अच्छे कंटेंट हम देख पाएंगे, तो ये हमारे लिए काफी ताज्जुब की बात। वी आर रियली ग्लैड कि ऐसे हमारा ये वक्त है, हम जिस वक्त पे रिएक्शन देना हम लोगों ने शुरू किया, हमसे उसी वक्त से कह सकते हैं कि शुरुआत हो रही है। ये साउथ इंडस्ट्री, साउथ मूवी इंडस्ट्री की दुनिया अब चल रही है, वही रूल कर रहे हैं। और आई एम रियली ग्लैड विद दैट फैक्ट। सो गाइस यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ हंट। आपके क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके फॉलो कीजिए, वहां पे डीएम कीजिए, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सुपर साइंस के जरिए भी सपोर्ट कीजिए और इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए। एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज जय हिंद।